गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सिस्टम्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फाइटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड कल डाइजेस्टिव सिस्टम, फाइव सिस्टम्स हमारे हो गए। अब आज का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम का अनदर नेम क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एंडोक्राइन सिस्टम के और किन नामों से वो जाना जाता है, अनदर नेम्स। सो इसमें एक है एड्रेनल मेड्यूला और सेकेंड है एडिनो हाइपोफिसिस। ठीक है, जो जो नेम है इसे और जाना जाता है, या एंडोक्राइन का और अनदर नेम क्या है, एडिनो हाइपोफिसिस और एड्रेनल मेड्यूला। और जो दो नाम है इसके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, उससे पहले यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। स्ट्रक्चर मैं आपको लास्ट में एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, जब आपको पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगी, इसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड एंड ऑर्गन्स। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स का। इट यूजेस हॉर्मोन्स, और ये क्या यूज करता है, इट यूजेस हॉर्मोन्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट योर बॉडी। ये हॉर्मोन्स को यूज करता है, और किस लिए यूज करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट योर बॉडी, योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म एनर्जी लेवल। आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी लेवल को, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इंजरी, स्ट्रेस एंड मोड एंड मूड, इन सब चीजों को ये कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। किस किस चीज को, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स टू इंजरी, स्ट्रेस एंड मूड। ठीक है, जो एंडोक्राइन सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ग्लैंड का, फिर ये कंट्रोल, और ये क्या करता है, हॉर्मोन्स को यूज करता है, किस लिए यूज करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट योर बॉडी, यानी अपनी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए। रिप्रोडक्शन, एनर्जी लेवल, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट क्या करता है, ये हमारी बॉडी के बॉडी को, एनर्जी लेवल को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इंजरी, स्ट्रेस एंड मोड। ठीक है, और अगर इसे उर्दू में बताया जाए तो इसे कहा जाएगा कि खून के जरिए आजा को पहुंचने वाली तवन्नाई या हार्मोन को एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। खून के जरिए आजा को पहुंचने वाली, यानी थ्रू द ब्लड द एनर्जी थ्रू द ब्लड द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय अ पार्ट्स। खून के जरिए आजा को पहुंचने वाली तवानाई को, जो खून के जरिए जो तवानाई हमारे पार्ट्स को पहुंचती है, उसे क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम्स के जो इंटीग्रल पार्ट्स है, द फॉलोइंग आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम्स। तो इसमें सबसे पहला है हाइपोथैलेमस के बाद है जो इसके आठ जो पार्ट्स है मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसको एक के बाद एक एक्सप्लेन करते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, ब्रेन, सॉरी पाइनल ग्लैंड, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल्स एंड पैनक्रीज। और जो पैनक्रीज है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है इन एंडोक्राइन सिस्टम। फर्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, द हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन के बेस में लोकेटेड होता है, पाया जाता है नियर द ऑप्टिक चियाज़म। और ये जो है नियर द ऑप्टिक चियाज़म, चियाज़म के नियर में होता है, करीब में होता है। वेयर द ऑप्टिक नर्व बिहाइंड, और जहाँ पर ऑप्टिक नर्व बिहाइंड ईच आई, आई के हर आग के को क्रॉस करती है एंड मीट, और जहाँ पर वो मिलते हैं
द हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स हार्मोन दैट स्टिमुलेट और सप्रेस द रिलीज ऑफ हार्मोन्स. सबसे पहले हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? ब्रेन में, ब्रेन के बेस पर होता है. और ये क्या काम करता है? इसका काम क्या है? द हाइपोथैलेमस सीक्रेट हार्मोन्स, ये हार्मोन को सीक्रेट करता है, दैट स्टिमुलेट और सप्रेस द रिलीज ऑफ हार्मोन्स. फिर ये स्टिमुलेट और सप्रेस करता है हॉर्मोन्स को इन द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड में ये स्टिमुलेट और सप्रेस करता है, रिलीज करता है हॉर्मोन इन द पिट्यूटरी ग्लैंड इन एडिशन टू कंट्रोलिंग वाटर. और ये क्या करता है? एडिशन टू कंट्रोलिंग वाटर बैलेंस, स्लीप, टेम्परेचर. वाटर बैलेंस को, स्लीप को, टेम्परेचर को, कंट्रोलिंग वाटर बैलेंस, स्लीप, टेम्परेचर एंड एपेटाइट एंड ब्लड प्रेशर. ठीक है. द हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स हार्मोन दैट स्टिमुलेट और सप्रेस द रिलीज ऑफ हार्मोन्स इन द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड में ये हार्मोन्स को रिलीज करता है इन एडिशन टू, और किसके एडिशन में? एडिशन टू कंट्रोलिंग वाटर बैलेंस, स्लीप, टेम्परेचर, एपेटाइट एंड ब्लड प्रेशर. ठीक है. जो हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन के बेस में पाया जाता है. ये स्लीप, ब्लड प्रेशर और कंट्रोलिंग वाटर बैलेंस, स्लीप, टेम्परेचर, एपेटाइट एंड ब्लड प्रेशर. ठीक है. पाइनल बॉडी, पाइनल बॉडी क्या करती है? पाइनल बॉडी जो पार्ट्स है उसका क्या काम है और ये कहाँ पर पाई जाती है? लोकेटेड, द पाइनल बॉडी इज लोकेटेड बिलो द कॉर्पस कॉलोजम इन द मिडल ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के मिडल में होती है. और कॉर्पस कॉलोजम इन द मिडल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के मिडल में. ऐसे नॉर्मली बोला जाए तो पाइनल बॉडी मिडल, ब्रेन के मिडल में पाई जाती है. ठीक है. इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन मेलाटोनियन. ये प्रोड्यूस करती है हार्मोन मेलाटोनियन विच हेल्प द बॉडी. और ये जो मेलाटोनियन हार्मोन जो प्रोड्यूस करती है ये किस लिए हेल्प करता है? द बॉडी नो व्हेन इट इज टाइम टू स्लीप. ये बॉडी को हेल्प करता है कि व्हेन इट इज टाइम टू स्लीप. ठीक है. पाइनल बॉडी जो है ये ब्रेन के मिडल में होती है और ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन मेलाटोनियन. और ये किस लिए हेल्प करता है हार्मोन मेलाटोनियन? द बॉडी नो व्हेन इट इज टाइम टू स्लीप. सेकंड, फर्स्ट हो गया हाइपोथैलेमस, ये बेस में होता है ब्रेन के. सेकंड है पाइनल बॉडी, ये ब्रेन के मिडल में होती है. नेक्स्ट है पिट्यूटरी. पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द ब्रेन. ये ब्रेन के ब्लो में होती है. फर्स्ट जो है वो ब्रेन के बेस में है. सेकंड जो है पाइनल बॉडी वो मिडल में है, ब्रेन के मिडल में है. और जो पिट्यूटरी है वो कहाँ पर है? पिट्यूटरी बिलो द ब्रेन. और जो पाइनल बॉडी है वो मिडल में होती है ब्रेन के. और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बिलो द ब्रेन. ठीक है. यूजुअली नो लार्जर देन अ पी. ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इतना लार्जर नहीं होता. यूजुअली नॉर्मली नो लार्जर देन अ पी. द ग्लैंड कंट्रोल मैनी फंक्शंस. और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या करता है? बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है दूसरे एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड से. द ग्लैंड्स कंट्रोल मैनी फंक्शंस ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबसे ज्यादा फंक्शंस को कंट्रोल करता है. द ग्लैंड कंट्रोल मैनी फंक्शंस. और ये बिलो द ब्रेन होता है. अब है थायराइड एंड पैराथायराइड. जो थायराइड है ये ग्लैंड है. द थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक. थायराइड और पैराथायराइड जो है वो नेक में होते हैं, लोकेटेड ऑन अ इन फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द लैरिंक्स. और ये लैरिंक्स के बिलो में होता है, यानी कि वॉइस बॉक्स. लैरिंक्स इसे कहा जाता है, वॉइस बॉक्स को कहा जाता है. द थायराइड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन यू इन द बॉडी. और ये जो थायराइड है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द बॉडीज मेटाबॉलिज्म में. द पैराथायराइड ग्लैंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन. जो थायराइड है वो मेटाबॉलिज्म में प्ले रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले कहाँ करता है? बॉडी मेटाबॉलिज्म में. और जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पर अपना रोल प्ले करता है? इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी. थायराइड है तो बॉडी मेटाबॉलिज्म में करता है, और पैराथायराइड जो है वो रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज, कैल्शियम बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस में रेगुलेट करता,
The parathyroid glands play an important role in the regulation of the body's calcium balance. जो बॉडी में कैल्शियम बैलेंस करने का जो काम है वो किसका है? पैराथायराइड ग्लैंड्स का है. ठीक है. अब है थाइमस. फोर्थ वन है थाइमस. थाइमस कहाँ पर होता है? देखिए, थायराइड और पैराथायराइड कहाँ पर होता है? इन फ्रंट ऑफ द नेक. थाइमस कहाँ पर होता है? द थाइमस इज लोकेटेड इन द अप्पर पार्ट ऑफ द चेस्ट. जो थाइमस है वो कहाँ पर होता है? अपर पार्ट ऑफ चेस्ट. चेस्ट के अपर पार्ट में थाइमस होता है एंड प्रोड्यूस This white blood cells और thymus क्या करता है? White blood cells पैदा करता है that fight infection and destroy. और white blood cells का function work क्या है? That fight infections and destroy abnormal cells. Abnormal cells को destroy करता है और जो infections रहते हैं blood cells infections और जो infections होते हैं उससे ये fight करता है. Next है adrenal gland. Adrenal gland is located on top of each kidney. जो adrenal gland है वो kidney के top पर लोकेटेड होता है. लाइक मैनी ग्लैंड्स द एड्रेनल ग्लैंड्स वर्क हैंड इन हैंड. एड्रेनल ग्लैंड जो है हैंड हैंड इन हैंड वर्क करता है किसके साथ? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ. देखिए आगे. लाइक मैनी ग्लैंड्स द एड्रेनल ग्लैंड्स वर्क हैंड इन हैंड विद द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ये हैंड इन हैंड वर्क करता है एड्रेनल ग्लैंड. द एड्रेनल ग्लैंड मेक एंड रिलीज कॉर्टिक कोस्ट्राइड. जो एड्रेनल ग्लैंड है ये क्या करता है? मेक एंड रिलीज. मेक और रिलीज करता है कॉर्टिकोस्ट्राइड को. कॉर्टिकोस्ट्राइड को ये मेक एंड रिलीज करता है. और ये कॉर्टिकोस्ट्राइड क्या होता है? सैटेराइड होता है ये. और ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से पैदा होता है. जो कॉर्टिकोस्ट्राइड जो है ये क्या होता है? ये एक सैटेराइड होता है और ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से पैदा होता है. कॉर्टिकोस्ट्राइड एड्रेनल ग्लैंड से पैदा होता है. एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है. द एड्रेनल ग्लैंड मेक एंड रिलीज कॉर्टिकोस्ट्राइड हॉर्मोन्स एंड एपिनेफ्रिन. और एपिनेफ्रिन को क्या करता है? हॉर्मोन्स एंड एपिनेफ्रिन ये मेक क्या करता है? कॉर्टिकोस्ट्राइड हॉर्मोन्स एंड एपाइनेफ्रिन दैट मेंटेन ब्लड प्रेशर. ये जो कॉर्टिकोस्ट्राइड हॉर्मोन्स और एपाइनेफ्रिन जो है ये क्या करते हैं? ब्लड को मेंटेन करते हैं. ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं. मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. पैनक्रीज. पैनक्रीज क्या है? द पैनक्रीज इज लोकेटेड अक्रॉस द बैक ऑफ द एब्डोमेन. जो पैनक्रीज है ये कहाँ पर होती है? अक्रॉस द बैक ऑफ द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक. स्टमक के बिहाइंड में होती है. द पैनक्रीज प्लेज अ रोल इन डाइजेशन. और पैनक्रीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? प्लेज अ रोल इन डाइजेशन एज वेल एज हॉर्मोन प्रोडक्शन. डाइजेशन में और हॉर्मोन प्रोडक्शन में ये अपना रोल प्ले करती है. हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रीज. और हॉर्मोन्स किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं? किसके जरिए प्रोड्यूस होते हैं? पैनक्रीज के जरिए. इंक्लूड इंसुलिन. और ये इंक्लूड कर और ये कहाँ इंक्लूड होते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन में ये इंक्लूड होते हैं. विच रेगुलेट लेवल ऑफ ब्लड शुगर. पैनक्रीज क्या करता है? ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है. और एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन एंड रेगुलेट करता है. नेक्स्ट है ओवरी. ओवरी क्या है? अ वुमेन्स ओवरीज आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड. जो वुमेन्स की ओवरी होती है वो लोकेटेड बोथ साइड में लोकेटेड होती है यूटेरस के बिलो द ओपनिंग ऑफ द फैलोपिन. और फैलोपिन के ओपनिंग में होती है ये. फैलोपिन ट्यूब्स कैसी होती है? ट्यूब्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द यूटेरस टू द ओवरीज. ओवरी से यूटेरस तक ये एक्सटेंड होती है. एडिशन टू कंटेनिंग द एग सेल्स necessary for reproduction. और ये क्या करती है? addition to containing the egg cells. In addition ये क्या करती है? In addition to containing the egg cells necessary for reproduction. Reproduction के लिए necessary होता है. The ovaries also produce estrogen and progesterone. और ovary क्या produce करती है? Estrogen and progesterone. Next है testes. Testes या main testes are located इन अ पाउच दैट हैंग सस्पेंडेड आउटसाइड द मेल बॉडी. मेल बॉडी के साथ जो हैंग होती है सस्पेंडेड होती है पाउच
लाइक जो होता है दैट हैंग सस्पेंडेड आउटसाइड द मेल बॉडी. द टेस्ट इज प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. और ये जो टेस्टिस है ये क्या प्रोड्यूस करती है? टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म. स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है. ठीक है. मेटाबॉलिज्म क्या है? द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स बाय द बॉडी. मेटाबॉलिज्म क्या करता है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स बाय द बॉडी. बॉडी के जरिए फ्यूल्स को बर्न करता है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट का वर्क भी फंक्शन भी इसका है. सेक्सुअल फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन. ब्लड प्रेशर. एपटाइट यानी कि सैशियटी एंड हंगर. भूख लगना मतलब कि एपटाइट सैशियटी एंड हंगर. स्लीपिंग एंड वेकिंग साइकल्स. अब है ये तो पूरे पार्ट्स थे और पार्ट्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया. अब कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स. कॉमन जो इसके डिसऑर्डर्स है वो है नंबर वन टाइप वन डायबिटीज. सेकंड है एडिसन्स डिसीज. थर्ड है कुशिंग सिंड्रोम. फोर्थ है ग्रेविस डिसीज. फिफ्थ है हाशिमोटोस थायराइड्स. ठीक है. तो ये जो कॉमन इसके डिसऑर्डर है एंडोक्राइन सिस्टम के, ये कॉमन डिसऑर्डर है जो कि फाइव है. डायबिटीज है, एडिसन डिसीज है, कुशिंग सिंड्रोम है, ग्रेविस डिसीज है और हाशिमोटोस थायराइड्स है. ठीक है. अब जो कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज के जो कॉमन सिस्टम है उसमें सबसे पहले है एक्सेसिव थ्रिस्ट और हंगर. हंगर और इसके जो सिम्टम्स है उसमें है सबसे पहले एक्सेसिव थ्रिस्ट और हंगर. ठीक है. हंगर होता है और एक्सेसिव थ्रिस्ट होता है. एक्सेसिव थ्रिस्ट मींस हंगर. उसको दो मायने, एक्सेसिव थ्रिस्ट भी कहा जाता है और हंगर भी. फतीग. फतीग मींस मतली होना, वोमिटिंग होना, वोमिटिंग होना. नॉजिया एंड वोमिटिंग. ठीक है. फ्रिक्वेंट यूरिनेशन. यूरिनेशन फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है नॉजिया एंड वोमिटिंग. नॉजिया मीन्स मतली होना. नॉजिया एंड वोमिटिंग और फतीग मीन्स सॉरी फतीग मीन्स थकावट. बहुत ज्यादा वीकनेस फील करना, थकावट. ठीक है. नॉजिया एंड वोमिटिंग. अनएक्सप्लेन वेट लॉस और गेन. और यानी कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस हद तक वेट लॉस हो जाता है या गेन हो जाता है. विजन चेंजेस. हमारे नजर या नजर चेंज होते होते रहती है. ठीक है. अब ये जो एडिसन्स फर्स्ट हो गया आपका डायबिटीज. डायबिटीज के जो कॉमन सिम्टम्स है ये है कि इसमें वेट बहुत ज्यादा लॉस होता है या गेन होता है, वोमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, फतीग होती है और वॉइस विजन चेंजेस होते हैं. फिर उसके बाद है एडिसन्स डिसीज. जो एडिसन्स डिसीज है, एडिसन्स डिसीज में क्या होता है? एडिसन्स डिसीज में डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम होता है बाय द एडेनर ग्लैंड. एडेनर ग्लैंड की वजह से हॉर्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है. और ये एडिसन्स जो है ये खून की कमी की वजह, खून की कमी की बीमारी है. खून की ब्लड की जो ब्लड कम हो जाता है ना अपना, खून की कमी की डिसीज है ये. ठीक है. उसके बाद है कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी डिसीज है जो फीमेल में होती है. कुशिंग डिसीज जो है फीमेल में होती है. और इसके जो सिम्टम्स है कुशिंग सिंड्रोम जो है ये फीमेल्स में होती है. और इसके क्या सिम्टम्स है? और फैटी हम्प होता है बिटवीन द शोल्डर्स एंड राउंडेड फेस होता है. फैटी हम्प होता है शोल्डर के बिटवीन में और राउंडेड फेस एंड पिंक और पर्पल ये स्ट्रेक ऐसे मार्क्स जो पड़ जाते हैं. फेस जो होता है ऐसा गोल गोल दिखाई देता है और पिंक और पर्पल कलर के मार्क्स नजर आते हैं. कौन सी डिसीज में? कुशिंग सिंड्रोम में. और ये स्पेशली ज्यादातर फीमेल में, ये फीमेल में ही होती है. फिर नेक्स्ट है ग्रेविस डिसीज. ग्रेविस डिसीज है ये कौन सी डिसीज है? एन इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ द बटरफ्लाई शेप ग्लैंड इन द थायराइड. किस तरह का होता है? बटरफ्लाई
शेप का होता है, डिसऑर्डर है होता ही एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ द बटरफ्लाई शेप ग्लैंड इन द इन थायराइड। और इसके जो कॉमन सिम्टम्स है ये होता है, इसके जो कॉमन सिम्टम्स है ग्रेविज में उसमें है पफी आईज हो जाते हैं, हार्ट हीट सेंसिटिविटी हो जाती है, वेट लॉस होता है इसमें, और पफी आईज एंड इनलार्ज थायराइड, थायराइड इनलार्ज हो जाता है, आईज पफी हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है। कौन सी बीमारी में, कौन सी डिसीज में? ग्रेविज डिसीज में। नेक्स्ट है हाशिमोटोज थायराइड्स, हाशिमोटोज थायराइड्स जो है इज इन द केस ऑफ हाशिमोटोज थायराइड द रिजल्टिंग हाइपरथायरॉयडिज्म इज जनरली परमानेंट। इसमें जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है वो जनरली परमानेंट हो जाता है। कौन सी बीमारी में? हाशिमोटोज में। हाशिमोटोज जो है थायराइड्स है जो इसमें, इसमें क्या होता है ड्राइनेस हो जाती है, स्किन जो होती है ड्राई और रफनेस, स्किन जो है तो ड्राई और रफ हो जाती है, हेयर लॉस और ड्राइनेस और हेयर भी लॉस होते हैं ऑल्सो कॉमन। और इसमें और क्या कॉमन है? डिप्रेशन है, फतीग है, ज्वाइंट स्टिफनेस है, मसल्स वीकनेस है, पफी आईज है, सेंसिटिविटी टू कोल्ड है, स्लो हार्ट रेट, हार्ट रेट भी इसमें स्लो हो जाती है। कौन सी डिसीज में? हाशिमोटोज थायराइड्स में। हाशिमोटोज थायरॉइडिटिस में क्या होता है? आंखें पफी हो जाती है, वेट लॉस हो जाता, मसल्स में वीकनेस हो जा, मसल्स वीक हो जाते हैं, स्किन और हेयर रफ हो जाते हैं, आईज पफी हो जाती है। ठीक है, जो कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर थे फाइव थे, फाइव में पांचों को मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज और ये इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ जो हो गए हैं तो उसमें हाइपोथैलेमस, स्पाइनल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रीज और एंड ओवरी। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले हाइपोथैलेमस कहाँ पर है मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन के बेस में पाया जाता है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ब्रेन के मिडल में होता है, सॉरी पाइनल जो होता है वो ब्रेन के मिडल में होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है ब्रेन के ब्लो में पाया जाता है, लोकेटेड ऑन इन ब्रेन बिलो टू ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है थाइमस, और थाइमस जो है वो कहाँ पर होता है? लंग्स में होता है। और थायराइड और पैरा थायराइड कहाँ पर होता है? हमारे नेक के पास, इन फ्रंट ऑफ नेक। और एडर्नल्स आर ऑन टॉप ऑफ योर किडनी, और जो एडर्नल ग्लैंड है वो कहाँ पर होता है? किडनी के टॉप पर। और पैनक्रीज इज बिहाइंड योर स्टमक, और जो पैनक्रीज होता है वो स्टमक के बिहाइंड में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो पैनक्रीज है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, यहाँ पर आपका एंड। और एक क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंडोक्राइन क्यों इम्पोर्टेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है? जस्ट बिकॉज इट कंट्रोल, एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स ग्रोथ, ये क्या करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करता है, एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड के दौरान ये डेवलपमेंट करता है, बिकॉज कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन। और ये और किस लिए इम्पोर्टेंट है? कि कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है ऑफ ऑल द मेजर फंक्शंस, ये क्या करता है? और जितने भी बड़े मेजर फंक्शंस है उसको कंट्रोल करता है और रेगुलेशन करता है, फंक्शन और प्रोसेस जितने भी मेजर, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल द मेजर फंक्शन एंड प्रोसेस, जितने भी बड़े फंक्शंस और प्रोसेस है ये इसको क्या करता है? कंट्रोल और रेगुलेट करता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है।